अभी हमने दो डब्बों की चेकिंग की है, पहलवान डब्बा और सुखदेव डब्बा, बाकी एक पनीर की फैक्ट्री की जो बनाने वाले हैं पनीर उनकी। सर क्या कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? इनके हमने पहलवान डब्बा, सुखदेव डब्बा, इनके सैंपल लिए हमने, जैसा कि आप देख रहे हो देसी वाइट देसी बटर जो सफ़ेद मक्खन जिसको बोलते हैं, और पनीर। सर पहले भी सैंपल लिए गए थे मन्नत ढाबे के और एक दूसरे ढाबे के, लेकिन वहाँ पे सैंपल फेल आए थे, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो कार्रवाई जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट में है उसके अनुसार उसकी कार्रवाई हो रही है, हमने नोटिस भेज दिए हैं जो भी बनती है उसकी। ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन में सैम्पलिंग चलती रहती है, हम सैंपल लेते हैं, हमारे जो सैंपल हैं पर मंथ लेते हैं हम सैंपल, हर महीने लेते रहते हैं, और कहीं पे कोई अंदेशा होता है या शिकायत मिलती है तो वहाँ पे हम फौरन पहुँचते हैं। सर मक्खन और पनीर की क्या क्वालिटी रखनी चाहिए ढाबे वालों को? जो मक्खन का तो ये है कि थोड़ी शिकायत मक्खन की आई है मुरथल ढाबों पर, बाकी हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर इनको बताएंगे। मक्खन थोड़ा सा ब्रांडेड कंपनी का और उसका लें तो बढ़िया बात होती है। सर पनीर की क्या क्वालिटी रही है अभी तक जो चेकिंग में आई? पनीर की अभी तक जो हमने जो सैंपल हमारा एक आध जो फेल आए हैं वो सब स्टैंडर्ड में आए हैं, उनकी फैट कम मिली है, कोई ऐसा गंभीर मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अच्छा, गवर्नमेंट ने बस ये कि खानपुर वाला भी एडिक्शन।